कौन सा बाद में गला देखियो, तो पहले मुँह सुनगा जी कोई दवाई पवाई नहीं खा रखी थी, यहाँ पूरा दबा के जड़ खा, पूरी लाल गिट्टी हो रही थी उसकी। अच्छा जी, हमने कहा भाई सच बता दो, इन्होंने कोई नहीं जवाब दिया। कभी कभी इन्होंने कहते भाई वो क्या हो गया, अटैक हो गया, कभी फांसी ले ली, इन्होंने कमरे में मार के और नीचे लुटा रखी थी जब हम गए। डेढ़ साल पहले आरती की शादी की गई थी उसके माँ बाप द्वारा, जो कि सोनीपत की रहने वाली है, जिसका मायका सोनीपत में के पास है, और यहाँ पर बिरजपुर में जो है गांव में शादी की गई, और आज डेढ़ साल बाद जो है आरती की डेथ हो जाती है। अभी परिवार वालों के आरोप हैं कि ससुराल वालों ने जो है उसको गला दबाकर मार डाला। वहीं ससुराल वालों ने इन्हें कॉल कर बोला कि शायद से हार्ट अटैक आ गया है और इस वजह से जो है आरती की डेथ हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। आरती के दादा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र है जी। क्या हुआ था? ये फांसी लगाई है जी, छोरी को गला दबाया जी। अच्छा, हाँ जी। कब शादी की थी ये? डेढ़ साल पहले की थी जी। अच्छा, किससे की थी? क्या नाम है आरती के पति का? कुलविंदर नाम है। आरती के पिता हैं आप? कुलविंदर नाम है। हाँ जी। तो क्या हो रहा था, मतलब डेढ़ साल से शादी की थी, क्या लगता है क्यों मारा? अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं मारा है तो क्यों? मैडम वो लड़की को टॉर्चर करते रहते थे हर बार, और कहते थे मतलब कभी ये कहना था उनका हमारे पास एक बाइक है, कभी कुछ कहना मेरे को 10 लाख रुपए देने हैं, उसके पिताजी कहते थे ठीक है हम उसको 10 लाख रुपए देंगे। अच्छा दूसरी बात, कोई भी काम होगा घर में, लड़की अकेली करती थी, इनके घर में कोई भी नहीं काम करता था, वो लड़की अकेली रहती थी, इतनी सी लड़की है। कौन कौन है उनके घर में? उनके घर में उसके लड़की के बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, माता है उसकी, पिता है उसकी। माँ उसको रात को लड़कियों को साथ में भी नहीं आने देती थी, ऐसे काम करती थी, उसको इतना भर के रखती थी लड़के को, इतना भर के रखती थी, मतलब कि इनके बीच में ऐसा बना रखा था उसने। आप कहाँ के रहने वाले? मैं पपनेरा गाँव का रहने वाला हूँ, सोनीपत से जी। सोनीपत के? हाँ जी। तो डेढ़ साल से लगातार टॉर्चर कर रहे थे, आरती ने बताया नहीं था कभी आपको? आरती ने बताया जी, मेरे को इनको फोन किया, मैंने सोचा मैं कहा चल घर बस जाएगा, बच्चे हैं अपना बसा रह जाएगा, मैंने अपने परिवार को किसी को कुछ नहीं बताया जी, मगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, इन्होंने आज मेरी बेटी के साथ ऐसा कर दिया, इनको कुछ इनको मेरा इंसाफ मिलना चाहिए जी। तो आरती, मैंने हर कुछ दिया है इनको, हर कुछ अपना दिल निकाल के दिया इनको, बताओ क्या चाहिए था, इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। क्या मतलब? मैंने क्या बिगाड़ा था जी? नहीं मारा है मेरे को, नहीं पता जी, मेरी लड़की का नकल घोट के तो फांसी दे रखी थी इन्होंने, टॉर्चर करते रहते थे हर टाइम। पहले भी मारते थे? डेढ़ साल पहले, डेढ़ साल से शादी हुई है तो पहले भी मारते थे? एक ही लड़का है जी 13-14 साल का, इस लड़के के सामने पीटा है जी उसने। इधर आ जाओ बेटा। इस लड़के के सामने मारा है जी उसको, सामने मारता था, पीछे से ज्यादा कर रहा था, ये लड़का रहा है पूछ लो इससे, इसके सामने मारा उसको। आपकी बहन को उनके घर वाले ससुराल वाले मारते थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश, तो देखा है आपने कौन मारता था उन्हें? कमल जी जन मारे थे जी। अच्छा, क्यों मारा था? जे रोटी के काम के ऊपर मारते थे जी उसको, काम भी गली करती थी जी। वो एक दिन मार पिटाई हो गई थी जी, मारे जी सब ने मारे, उसने जी जना भी मारे जी, कई जनों ने मारे जी। घर आके बताया था तुमने? हाँ जी, फोन भी करे थे ये 1-2 महीने हुए। तो घर आके आपको बताया भी जा रहा था, लगातार पता भी चल रहा था कि बच्चे के साथ टॉर्चर हो रहा है, फिर भी आप लोगों ने कुछ लड़की बोली जी? मैंने सोचा मैं घर बस जाएगा ना, क्यों किसी को क्लेश करा जी हमने, हमने सोचा मैं परिवार एक बना रहे, रिश्तेदारी बनी रहे, लेकिन इन्होंने सोचा जी मेरे लिए, मेरे साथ इन्होंने। तो अब कल कैसे आप लोग को पता चला कि आरती की डेथ होगी? शाम के टाइम मेरे को 5:30 बजे 6:30 7 बजे मेरे को पता लगा है, अब बोले भाई आपकी लड़की को अटैक आया, वो मर चुकी है, वो
इसके जो कुलविंदर है उसने फ़ोन किया हमारे पास, मेरे पास तो किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, नहीं तो उसके बाप ने किया ना उस लड़के ने किया, मेरे भतीजे के पास फ़ोन आया, भतीजा मेरे पास रोता रोता गया, मैं पापा चाचा दीदी को मार दिया उन्होंने, तभी भागे हम वहाँ से, हम यहाँ 10 बजे आए, जब सारे भाई इकट्ठे हो गए आके देखा तो लड़की ऐसी लिट्टी हुई थी, देखी लिट्टी हुई थी, उसके गले में यहाँ पे निशान थे। तो पूछा नहीं आप लोगों ने कि कैसे डेथ हुई? हमने पूछा जी किसी से, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पूरा गांव खड़ा था जी, किसी ने हमें नहीं बताया तुम्हारे लड़के साथ क्या हुआ क्या नहीं। फोटो निकाल ले लड़की गुड़िया की। तो आप देख सकते हैं फिलहाल परिवार के लोग जो है वो करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में जो है पहुंचे हुए हैं। कल शाम को जो है ससुराल वालों द्वारा फोन कर इन्हें बताया जाता है कि आरती की डेथ हो चुकी है। उसके बाद जब ये जाकर देखते हैं तो गले पर गले घोट के मारने के निशान जो है, जैसा कि इन्होंने फोटोज भी ली हुई है, इस तरीके के निशान जो है मिले थे। उसके बाद क्या आप लोगों ने 112 की टीम को कॉल किया? 112 को कॉल किया जी हमने, 112 तुरंत पहुंची जी हमारे पास वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी वो डेड बॉडी को उठा के ले गए हैं जी वहाँ पे, फिर यहाँ पे ले आए जी हॉस्पिटल में उसको। अब आरती के ससुराल वाले कहाँ है? वो नहीं है, आरती ससुराल वाले इधर ही होंगे जी, कहीं आए हुए हैं? आए हुए हैं जी। अच्छा, उनका क्या कहना है वैसे, कैसे डेथ हुई? गांव वाले आ रहे हैं जी, कोई नहीं है और उनसे। गांव के लोगों को बुलाओगे एक बार आप 2-3 वहां से, उनका क्या कहना है, गांव वाले क्या कह रहे हैं कैसे डेथ हुई है? गांव वाले तो जी वो कह रहे जी गलती होगी बस हमारी से, तो यही कह रहे और कुछ नहीं कह रहे वो, और तो कुछ जवाब नहीं है। मैं उसका फूफा लगता। फोटो दिखाएं एक बार, फोटो भी एक बार हम आपको आरती की दिखाना चाहेंगे। कल की नहीं, ये तो कल की है, देख सकते हैं गले पे निशान है काफी ज्यादा यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये जो है आरती की फोटो है, ये आरती की फोटो है जिसकी 1.5 साल पहले जो है शादी की गई थी और अब जो है उसकी डेथ हो जाती है। और परिवार के लोगों के आरोप है कि ससुराल वालों ने ही जो है गला दबाकर आरती को मारा है। केस के जो आईओ है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो 112 की टीम को जो है कॉल करके बुलाया गया। उसके बाद आरती के शव को जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया गया। आरती की एक गुड़िया भी है। हाँ जी, गुड़िया है उसकी, 5-6 महीने की गुड़िया है। 5-6 महीने की है, वहीं पे ही है अभी, वहीं पे है जी वो। 5-6 महीने की जो है गुड़िया भी है आरती की, और इस तरीके से जो है बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आरती की आत्मा के लिए शांति मांगना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, सहयोगी सूरज के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल। लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, जहां फिलहाल जो है आरती का पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मोर्चरी हाउस के बाहर से, खबर को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया किस तरीके से आरती की जो है कल शाम को डेथ हो जाती है, वहीं मायके वालों के आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा जो है गला दबाकर आरती को मारा गया। क्या कुछ पूरा मामला है, केस के जो आईओ है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी हैं जी, सर क्या बताना चाहेंगे, क्या कंप्लेंट आई थी जिसके बाद आज यहाँ पहुँचे हैं? कल हमें करीब शाम को 11 बजे रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी भाई, बिरजपुर में एक लड़की जी जिसने सुसाइड कर लिया, जो मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचा था, और वहाँ पर जाने के बाद जो आरती की डेड बॉडी नीचे रखी हुई थी घर में, और उसको एम्बुलेंस का प्रबंध करके हम डेड हाउस में रात को रिखवा दिया था। आज सुबह उसके पिता ने हमारे को एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी भाई, मेरी लड़की इतने उसकी दिसंबर 2020 में शादी हुई थी, जो दहेज के लिए तंग करते थे, और इन्होंने कल उसको रात मार दिया और इनको गलत सूचना दी थी भाई, उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो इन्होंने खुद आके परिवार वालों ने उसको देख लिया था, रिटर्न स्टेटमेंट दी जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी है, 302 और 304 भी धारा पर भी निशान बताए जा रहे थे, उसके गले पे निशान दिख रही, एक्सटर्नल इंजरी दिख रही है अभी। पोस्टमार्टम हमने बोर्ड से, परिवार की हिदायत के अनुसार बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है, पोस्टमार्टम होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और शुरुआती जांच में ससुराल वालों का, ससुराल पक्ष का क्या कहना है कि डेथ कैसे हुई है? अभी तो मैम इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं कैसे हुई, अभी तो कंप्लेनेंट का पक्ष रखा है और पोस्टमार्टम हो जाएगा। ससुराल वालों से भी पूछताछ नहीं शुरू हुई है? अभी कोई पूछताछ हमने नहीं की आफ्टर पोस्टमार्टम।